हेलो uh, आज की uh, इस वीडियो में हम करेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा अपनी पिछली वीडियो में जो है वो बताया था जिसमें हमने इबिट ई एनालिसिस के बारे में किया था तो आज इसका जो है वो हम विद एग्जांपल जो है उसको करेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा इबिट लेवल होता है जिस इबिट लेवल पर जो है आपके ई uh, जो है वो ज़ीरो हो जाता है यानी कि जो भी आपका इबिट है उस इबिट से जो है आप अपने इंटरेस्ट को टैक्स को और प्रेफरेंस डिविडेंड जो चार्जेस हैं वो वही चार्जेस आप उससे पे कर पाते हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए जो है वो कोई भी अर्निंग नहीं बचती है और उस पॉइंट पर जो है वो अर्निंग पर शेयर जो है वो जीरो हो जाता है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मे बी डिफाइंड एज अ लेवल ऑफ इबिट विच इज़ जस्ट इक्वल टू पे द टोटल फाइनेंशियल चार्जेस दैट इज़ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड कि वो एक ऐसा इबिट लेवल हो जाता है जिस इबिट लेवल पर सिर्फ आप अपने फाइनेंशियल चार्जेस को पे कर पाते हैं जिसमें कि आपके इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमने जो है वो ऑब्वियसली टैक्स के बाद पे करना होता है तो दैट मीन्स कि हमने इंटरेस्ट टैक्स और जो है प्रेफरेंस डिविडेंड वो हम पे कर पाते हैं एंड उससे क्या निकल के निष्कर्ष निकल के आता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स द अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू जीरो इस लेवल पर अर्निंग पर शेयर जो है वो जीरो हो जाएगी क्योंकि सिर्फ उस इबिट लेवल से हम अपना इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को पे कर पाएंगे शेयर होल्डर्स के लिए कोई भी अर्निंग्स नहीं बचेगी ई जो है वो जीरो हो जाएगा तो ये जो है हमारा जब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान करना होता है डिसाइड uh, करना होता है तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का रहता है कि हमें देखना है कि हमें एटलीस्ट वो ब्रेक वो इबिट लेवल अर्न करना है जिस इबिट लेवल से जो हम अपने एटलीस्ट अपने जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस हैं इंटरेस्ट का प्रेफरेंस डिविडेंड का उनको हम पे कर सकें तो इन केस की हमारा इबिट लेवल जो है आ, कम रह जाता है और ये जो चार्जेस आ रहे हैं मतलब कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से <coughs> ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड के एक्सपेंसेस हो जाते हैं एबिट लेवल हमारा कम है और ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा है तो अगर वो केस में नेगेटिव है तो दैट मींस कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इन फिक्सड कॉस्ट फंड्स को जो है वो कम कर दें बट दूसरी तरफ अगर जो है हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कम है और एबिट लेवल हमारा ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स को जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं क्यों क्योंकि हमारे पास जो है वो मार्जिन है हमारा एबिट जो है वो फाइनेंशियल ब्रेकिंग पॉइंट से ज़्यादा है और हम चाहें तो अपने उसमें स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट फंड्स को ऐड कर सकते हैं तो वो डिसीजन लेने के लिए जो है फाइनेंशियल ब्रेकिंग पॉइंट हमें हेल्प करता है और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक ऐसा लेवल कि हमें एटलीस्ट उतना तो एबिट लेवल अपना मैंटेन करना पड़ेगा इतना अर्न करना पड़ेगा ताकि जो हमारे फिक्स चार्जेस हैं उन फिक्स चार्जेस को हम पे कर सकें तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू आई प्लस डी पी डिडेड बाई वन माइनस टी तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या निकल के आएगा इसका जो आंसर आएगा दैट इज इबिट लेवल की वो इबिट लेवल निकल के आएगा आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्म में तो आई मींस इंटरेस्ट चार्जेस एंड डी पी मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड और यू कैन से डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाई वन माइनस टी टी मींस टैक्स रेट तो फाइनेंशियल ब्रेक इन पॉइंट जो भी फॉर्मुला पीछे लिखा था तो ये आई का मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है डीपी का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड है टी का मतलब है टैक्स रेट अब बट इन केस की हो सकता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए हैं तब उसका फाइनेंशियल ब्रेक इन पॉइंट जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस के बराबर हो जाएगा कि इन केस जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं तो फाइनेंशियल ब्रेक ब्रेकविन पॉइंट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट चार्जेस कि आपके जो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हैं उसके बराबर ही जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ब्रेक ब्रेकविन पॉइंट हो जाएगा तो इसको जो है हमें एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं तो कि हम जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और आपको दिखाते हैं कि उसका विद प्रूफ कि उस इबिट लेवल पर आपका जो है वो क्या होगा ई अर्निंग पर शेयर जो है वो जीरो हो जाएगा तो विद एन एग्जाम्पल कर लेते हैं कि जिसमें हम प्रूव भी करेंगे उसको तो हैज टू अल्टरनेटिव प्लान फॉर रेजिंग एडिशनल फंड रुपीज टेन लैक्स की कंपनी को दस लाख रुपए इशू करने हैं दस लाख इशू करने के लिए कंपनी के पास दो अल्टरनेटिव प्लान हैं पहला प्लान है कि कंपनी जो चाहे तो टेन थाउजेंडिचर्स रुपीज हंड्रेड ईच बियरिंग टेन परसेंट इंटरेस्ट पर है नम की अगर चाहे तो क्या करे दस हजार के डिबेंचर इशू कर दे हंड्रेड रुपीज ईच के और उस उसपे जो है वो टेन परसेंट जो है वो इंटरेस्ट पे किया जाए दूसरा ऑप्शन है कंपनी के पास कि चार

Plan a tax rate of 50 50 आपको बताया फॉर्मूला आपने यूज करना है तो प्लान uh, वन के लिए निकाल लेते हैं तो एज द फॉर्म एम्प्लॉय ओनली डेट एंड नॉटरें फाइनेंशियल ब्रेक पॉइंट शेल बी इक्वल टू द फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो फाइनेंशियल ब्रेक इन पॉइंट जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस के बराबर हो जाएगा रीजन बीइंग कि आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट तो है जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं किए तो आपका जो है वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे जीरो हो जाएगा और जीरो को आप किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे जीरो और uh, उसमें जीरो को किसी भी चीज में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो दैट मीन्स की जो फाइनेंशियल ब्रेक इन पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के बराबर रह जाएगा तो इसको अगर आप अलग से नहीं याद रख सकते तो कोई इशू नहीं है आप इस फॉर्मूला से भी

किया, तो फोर लैख का टेन परसेंट हो गया है। जब आपने 4 ,00 ,00 के आपने है। तो 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 आपने के के हैं, कि जो वो किए क्योंकि तो 10 ,00 ,00 में से अगर आपने 4 ,00 ,00 के तो आपके पास बचे हैं तो सिक्स लैक्स तो के सिक्स लाख रुपीज के प्रेफरेंस इशू किए तो मल्टीप्लाइडेंट सिक्स लाख का ट्वेल्व परसेंट जो है वो आपका सेवेंटी टू थाउजेंड हो गया तो छः लाख का आपने सेवन ट्वेल्व परसेंट सेवेंटी टू थाउजेंड डिविडेंड पे किया वन डिवाइडेड बाई वन माइनस टी वन वन मीन्स वन एंड टी टैक्स रेट जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपको दिया हुआ है कि फिफ्टी परसेंट है तो आपने जो है वो कॉरपोरेट टैक्स रेट टैक्स रेट जो है फिफ्टी परसेंट को आपने डेसिमल पॉइंट्स में लेना है तो डेसिमल पॉइंट्स में आप लेंगे डिवाइडेड बाय करेंगे तो पॉइंट फाइव आ जाएगा आपके पास तो वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर्टी थाउजेंड का फोर्टी थाउजेंड आ गया इसको नहीं आपने करना है, ये चलेगा, प्लस जो डिविडेंड था प्रेफरेंस आपने इसका डिफरेंस से डिवाइड करना है, तो उसका डिफरेंस जो है वो वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव का जो डिफरेंस है दैट इज जीरो पॉइंट फाइव और टू थाउजेंड को जब आप जीरो पॉइंट फाइव से डिवाइड करेंगे दैट विल इक्वल टू वन फोर्टी फोर थाउजेंड आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं तो सेवेंटी को ये जो डिफरेंस है वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो ये आपके पास आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव बचेगा तो सेवेंटी टू थाउजेंड को जीरो पॉइंट फाइव से आप जब डिवाइड करेंगे तो वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड आ जाएगा एंड वन लाख फोर्टी फोर था लाख चौरासी हजार हो गया आपके पास, तो अब दोनों प्लान के लिए हमने फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट लिया है पहले वाले प्लान के लिए वन लाख है सेकंड वाले प्लान के लिए वन लाख एट्टी फोर थाउजेंड है तो हमने फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको कि उस, इस लेवल पर, कि अगर हम कहेंगे कि ये हमारा इबिट लेवल है तो इस इबिट लेवल पर अर्निंग पर शेयर क्या होगा जीरो होगा तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ईपीएस जो है वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है इन प्लांट्स के लिए इस इबिट लेवल पर तो हमने अपना एक प्रूफ के लिए जो है वो अपना स्ट्रक्चर बना लिया जो हम सेम बनाते हैं स्टेटमेंट तो प्लान वन एंड प्लान टू दोनों प्लान के लिए इबिट ले लिया तो पहले वाले प्लान में इबिट का लेवल हमारे पास है वन लैख uh, की जिसपे हमारा जो है वो ई पी एस जीरो होगा और सेकेंड प्लान के लिए इबिट लेवल आया है वन लाख एट्टी फोर थाउजेंड तो वन लैख और वन लाख एट्टी फोर थाउजेंड व हमने ले लिया इबिट लेवल जिसको हम कह रहे हैं कि ये इबिट लेवल ये फाइनेंशियल ब्रेकिंग पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो एक ऐसा इबिट लेवल निकल के आ रहा है जिस इबिट लेवल पर आपका ई पी एस जीरो होगा तो यानी कि ये इबिट है हमारा तो हमने एबिट ले लिया इसके बाद इसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट तो यहाँ पे आपने देखा था कि इंटरेस्ट जो है वो पहले वाले प्लान में वन लाख था और सेकंड वाले प्लान में इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था फोर्टी थाउजेंड तो इसमें से वन लाख और फोर्टी थाउजेंड जो है वो सेकंड प्लान में फोर्टी थाउजेंड और फर्स्ट वाले प्लान में वन लैख माइनस किया अर्निंग बिफोर टैक्स बच गई आपके पास तो फर्स्ट वाले प्लान में क्योंकि आपके पास इबिट और इबिट में से इंटरेस्ट माइनस किया आपके पास रह गया अर्निंग बिफोर टैक्स निल तो जब अर्निंग बिफोर टैक्स निल हो गया तो दैट मीन्स की शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग्स कुछ बचेंगी नहीं तो वो तो निल हो गया आपका सारा काम खत्म हो गया और यहां पर क्या है कि अभी हमारे पास सेकंड प्लान में क्या है कि इंटरेस्ट माइनस करने के बाद कुछ अर्निंग्स बच गई हैं तो वो अर्निंग बिफोर टैक्स आपके पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप क्या करेंगे टैक्स पे करेंगे टैक्स रेट आपको फिफ्टी परसेंट दिया हुआ तो फिफ्टी परसेंट टैक्स कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट वाले प्लान में इनकम ले लिया तो टैक्स भी नहीं लो गया और सेकंड वाले प्लान में इसका फिफ्टी परसेंट कैल्कुलेट किया तो वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट यानी कि सेवेंटी टू थाउजेंड अब आपके पास जब टैक्स माइनस कर दिया आपके पास आ गई अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इस अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आपने क्या माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड कि आपने तो अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर को शेयर होल्डर्स को जो है वो डिविडेंड पे करेंगे तो फर्स्ट प्लान में कोई भी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे फर्स्ट प्लान में कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे सिर्फ डिबेंचर्स थे बट हाँ सेकंड प्लान में 12 परसेंट डिबेंचर्स थे 6 लाख ,00 के तो 6 लाख ,00 पर जो है वो 12 परसेंट यानी कि 72,000 का जो है आप डिविडेंड पे करेंगे तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑन सेकंड प्लान 6 लाख पर परसेंट सेवेंटी टू थाउजेंड हो गया और इसमें से इसको माइनस करेंगे अर्निंग्स जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए बच गई निल जो है वो शेयर होल्डर के लिए निल है क्योंकि यहां पर अभी हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं दिए गए अगर इक्विटी शेयर्स दिए होते तो हम जो है वो निल को यानी कि निल मीस जीरो जीरो को डिवाइड करते तो अल्टीमेटली जो है वो जीरो ही आना था अगर आपने टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड जो भी आपके पास इक्विटी शेयर्स होते तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर हमारे पास दिए होते तो हम क्या कि उस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके जो है यहाँ पर निकाले थे अर्निंग पर शेयर जीरो बट जब अर्निंग्स ही टोटल अर्निंग्स ही जीरो बची हुई है शेयर होल्डर्स के दैट मीन की ईपीएस भी जो है वो अल्टीमेटली जीरो ही होगा तो वही हमने जो है

बन जाते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही था नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के बारे में करेंगे ओके थैंक यू